अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साद तुफैल, कंज्यूमर न्यूज़ से। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि कराची के साहिल समंदर पे एक सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, और इसकी एक मेन वजह ये भी है कि गुज़िश्ता रोज़ पहले वसीम अकरम की अहलिया यहाँ पर आईं और उन्होंने कुछ मेडिकल वेस्ट यहाँ पे देखा, और उसके बाद उन्होंने वीडियो शेयर करी, उसके बाद वो वीडियो वायरल हुई, तो आवाम ने एक बहुत सख्त इस पर एक्शन लिया और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सफाई का आगाज़ कर दिया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, इन्होंने काफ़ी मशीनरी यूज़ करी है, काफ़ी मैन पावर यूज़ करी है सफाई को साफ़ करने के लिए, और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने कचरा एक फेंकने के लिए लोगों के लिए ये आसानी पैदा कर दी कि इन जानवरों की शक्ल में इन्होंने यहाँ पर एक डस्टबिन बना दिए, जहाँ पर लोग आएँ और कचरा उठा के फेंकें। नाज़रीन, कराची के साहिल समंदर पे लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद है, तो आइए हम लोगों से भी जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है ये साहिल समंदर अपना साफ़ होते हुए। तो जी भाई, आपका नाम? लाल शाह। लाल शाह, किधर से हैं आप? मुल्तान शरीफ से। तो कैसा लग रहा है इसको साफ़ देखते हुए? कराची बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले यहाँ पर क्या मसला था और अब यहाँ पर कैसा लग रहा है? पहले यहाँ बहुत गंदगी थी, अब बहुत साफ़ सुथरा माहौल है, फिरने घूमने का दिल कर रहा है। जी भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। पहले बहुत गंदगी थी इधर, एक मिनट भी खड़ा होने का दिल नहीं करता था, बहुत अच्छा हो गया, साफ़ सुथरा माहौल हो गया, रुकने का भी दिल करता है, घूमने का भी दिल करता है इधर। आप लोग साहिल पे पहले भी आते होंगे, तो मुझे ये बताएं कि पहले से अब में क्या तब्दीली है? अभी हम पहले आते थे तो थोड़ी गंदगी थी, अभी सफाई हो रही है चारों तरफ, यानी साफ़ है माहौल, और यहाँ पर जो मौसम भी अच्छा है, अभी हवा भी चल रही है, और पहले से जो है काफ़ी बेहतर है अभी। पहले कैसा लग रहा था जब ये गंदा होता था, तब कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, पहले बहुत गंदगी थी। अच्छा, आपको लगता है कराची को साफ होना चाहिए? हाँ, लगता है। जी हाँ, साहिल को साफ रखने में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के नुमाइंदे आई हैं, उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी, आपका नाम सर? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हॉर्टिकल्चर ब्रांच का इंचार्ज हूँ, हसन अनवार मेरा नाम है, सीबीसी से मेरा ताल्लुक़ है, और यहाँ पे हम लोग एक हफ़्ते की एक मुहिम हमने रखी है बीच क्लीन करने के लिए, जिसके लिए हमने इन वेंडर्स को जो यहाँ पर मौजूद थे हैंड कॉर्ड्स वाले, उनको एक हफ़्ते के लिए हमने यहाँ से हटाया है, और उसके बाद हम जो कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। ये सिर्फ सफाई के अलावा हम यहाँ पे एक शजरकारी की मुहिम भी कर रहे हैं, ये अब्दुल सत्तार ईदी रोड कहलाती है, इसमें हम यहाँ पे दरख्त लगा रहे हैं, और उस एरिए को जो यहाँ पे सॉफ्ट एरिया है, जो ग्रीन एरिया, वो उस पर हम ग्रास लगा रहे हैं, मेनटेन कर रहे हैं इसको। उसके अलावा यहाँ पर लाइट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो वॉशरूम्स हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये सिर्फ सफाई के अलावा भी हमारी मैनेजमेंट जो है वो डिपार्टमेंट के हाई अप्स जो हैं वो, उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये कराची की साहिल जो है पहचान है और इसे साफ़ सुथरा रहना चाहिए। सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने अर्से बाद सफाई का आगाज़ किया है आप लोगों ने? देखें, रूटीन की जो मेंटेनेंस है, सफाई है, वो तो डेली बेसिस पे होती है, एक जो जनरल कंपेन जिसे कहें आप, वो हमने आज से स्टार्ट ली है। सर, ये मुझे बताइए कब तक चलेगी ये? 1 वीक की है, 24th तक चलेगी। सर, आगे आपने क्या इकदाम किए कि कचरे? देखें, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद है, और जाहिर है कि मैनेजमेंट एक दफ़ा सफाई इसकी इसलिए ही करवा रहे हैं कि इसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा साफ़ रखा जाए। सर, आप लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? सिर्फ एक ही पैगाम है कि पूरा पाकिस्तान यहाँ पर आता है सी व्यू पे, और उनसे बल्कि पैगाम क्या है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कचरा जो है वो डस्टबिन में डालें, और इसको अपना शहर, अपना मुल्क समझ के यहाँ पे विज़िट किया करें। ये गंदगी फैलाने के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ तावन करेंगे। जी नाज़रीन, कैंटोनमेंट हुकाम ने लोगों से, शहरियों से अपील की है कि सी व्यू को साफ़ रखा जाए, और हमारी ख़ुद की भी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ कैंटोनमेंट की जिम्मेदारी है, हमारी ख़ुद भी, हम एक बाहसियत मुसलमान, बाहसियत पाकिस्तानी, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इलाके को, अपनी जगह को साफ़ रखें, ताकि हमें वहाँ पे घूमने में मज़ा आए और इससे कोई बीमारियों का बायस भी ना बने।
तो नाज़रीन साद तुफैल कंज्यूमर न्यूज़ से साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली रिपोर्ट में मिलते हैं।